सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच आया हूँ। ये विधायी पहलू है, ये संविधान के वो तमाम लोग जो लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है रेजोल्यूशन जो किया चुका है मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे कंधा पे हाथ है, क्या करें यार। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का, मैं आपको चाहूंगा आपके कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, ये दोनों फैसले पढ़े, उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूँ कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं, उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है, उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला किसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि पहला का अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया, 179 सी का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया, दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए संदेश। इंडिया के पास जो है, आप लोग कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, उस माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं नहीं, देखिए आप बिना वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप विधायकों को आपने रुकवाया है ना? नहीं नहीं, हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुँचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें, सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देंगे।